हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधांशु और आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड कूलिंग के ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो अब आते हैं लिक्विड कूलिंग टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कब की है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है। ये लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी हमें पहले नोकिया लुमिया 950 में देखने को मिली थी, सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 में देखने को मिली थी, अब रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में आई है ये टेक्नोलॉजी, और पोकोफोन जो कि पोकोफोन F1 है जो शाओमी के द्वारा बनाया गया है उसमें भी ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि मोबाइल में इसका क्या यूज़ है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन का प्रोसेसर जो है वो काफ़ी पावरफुल होता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है, बट कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर ज़्यादा गेम खेलते हैं और ज़्यादा हार्ड टास्क करते हैं अपने फ़ोन के ऊपर तो काफ़ी हीट हो जाता है और परफॉर्मेंस में लैग देखने को मिलता है, फ़ोन हैंग करता है या फिर एप्लीकेशन बंद हो जाता है या फिर उसका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आजकल के जो हमारे प्रोसेसर हैं वो काफ़ी छोटे नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बने होते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं जिसके वजह से वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब भी वो प्रोसेसर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तभी वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसको ठंडा करने के लिए ये लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन में अपनाया गया है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर PC की बात करें, अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें रिजर्वायर्स लगे होते हैं, ट्यूब्स लगे होते हैं और लिक्विड फ्लो करता है जिससे आपका PC ठंडा रहता है। स्मार्टफोन में एक कॉपर का ट्यूब लगा होता है जो कि काफ़ी थिन होता है और वो CPU से कनेक्टेड होता है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, रफ़ एंड टफ़ यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो उस कॉपर वायर के थ्रू वो हीट आपके फ़ोन के अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि अगर आपका CPU ऊपर में है, समझ लीजिए कि रियर कैमरा के पास है, तो वहाँ से हीट आपके बॉटम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि चार्जर का पॉइंट जहाँ हो या स्पीकर जहाँ हो वहाँ पे वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से अगर प्रॉपर हीट डिस्ट्रीब्यूट होता रहे तो फ़ोन लैग नहीं करेगा और फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलेगा और हीट भी कम होगा जिससे आपको परफॉर्मेंस में लैग देखने नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस डाउनग्रेड नहीं होगा। कई बार हम लोग ज़्यादा गेम खेलते हैं तो हमारा फ़ोन लैग करने लगता है, हमारा फ़ोन हैंग करने लगता है, परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाता है। आजकल के स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स में लिमिट सेट किया हुआ रहता है कि आप इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुँच जाता है CPU तो सीधा परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होगा और आपके फ़ोन में लैग देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस डाउनग्रेड तक के प्रोसेस को थर्मल थ्रॉटलिंग बोलते हैं और लिक्विड कूलिंग इसको कम करने में मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।